वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले कमाल का मैच जो कि थर्ड वर्ल्ड चैंपियन कैपब्लांका ने अल्बर्ट पुलवमाकर के खिलाफ मैनहट्टन में 1907 में खेला था। इस मैच में कैपब्लांका ने किंग्स गैम्बिट को डिस्ट्रॉय कर दिया है बुरी तरीके से। तो देखिए गेम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्योंकि किंग्स गैम्बिट है तो गेम की शुरुआत ऑफकोर्स होगी e4, यहाँ पर आया e5 और यहाँ पर खेला गया f4 किंग्स गैम्बिट। देखिए किंग्स गैम्बिट का पॉइंट होता है कि हम लोग इस नाइट को f3 पे डेवलप करने से पहले ये पॉन पुश करते हैं और फिर ये सेमी ओपन फाइल पे यहाँ कैसल करके शॉर्ट इस रुक को यहाँ पे रखते हैं और बिशप को जनरली c4 पे डेवलप करते हैं और रैपिड डेवलपमेंट गेन करते हैं। अगर आप ये पॉन कैप्चर करते हैं तो ये होती है एक्सेप्टेड लाइन किंग्स गैम्बिट की। लेकिन हमारे गेम में खेला गया बिशप c5, किंग्स गैम्बिट डिक्लाइंड। डिक्लाइंड क्यों? क्योंकि हमने ये पॉन ग्रैब नहीं किया। यहाँ पर आया नाइट f3। देखिए अगर आप यहाँ पे कैप्चर करते हैं तो ये ब्लंडर होगा, बहुत फेमस ओपनिंग ब्लंडर है। यहाँ पर सिंपली आना चाहिए क्वीन h4 चेक और देखिए अगर किंग ऊपर जाएगा तो क्वीन कैप्चर्स e4 चेकमेट है, मात्र 4 मूव में चेकमेट। और अगर आप यहाँ पर g3 खेलेंगे तो क्वीन कैप्चर्स e4 चेक, ये चेक देता है, रुक को फोर्क करता है, यहाँ पे ऑन द स्पॉट विनिंग होंगे कैपब्लांका। इसीलिए यहाँ पर खेला गया नाइट f3, यहाँ पर कैपब्लांका ने खेला d6। और अगर अभी आप सोच रहे होंगे कि पॉन कैप्चर पॉन और पॉन के बाद अगर नाइट कैप्चर पॉन आता है आप एक पॉन विन करते हैं, तो यहाँ पर ब्लैक वापस से कम्प्लीटली विनिंग है। सिंपली आपको खेलना है क्वीन h4 चेक, क्योंकि देखिए किंग्स गैम्बिट में यही ड्रॉबैक होता है कि हमारी किंग साइड वीक होता है। तो यहाँ पर आप क्या खेलेंगे, अगर आप g3 खेलते हैं तो क्वीन कैप्चर क्वीन पॉन चेक आ रहा है। आप हालांकि यहाँ पे क्वीन e2 खेल सकते हैं, यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स रुक और नाइट g6 चेक आता है इस क्वीन से, बिशप e6। आप ये रुक तो ग्रैब करते हैं, दोनों प्लेयर के ने रुक ग्रैब किया है, लेकिन ये नाइट स्टक रहने वाला है पूरे गेम में और हम लोग एक पीस अप हो जाएंगे क्योंकि इस नाइट के पास एस्केप करने का कोई जगह नहीं है। इसीलिए यहाँ पर d6 के बाद खेला गया c3। पॉइंट ये है कि हम लोग d4 खेलेंगे और शॉर्ट कैसल करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए ये बिशप आई कर रहा है a7 और g1 डायगनल को, तब तक कैसल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर खेला गया बिशप g4, इस नाइट को पिन करते हुए इनडायरेक्टली d4 रोकते हुए। क्यों? अगर आप अभी d4 खेलते हैं तो e कैप्चर्स d4, c कैप्चर्स d4 के बाद बिशप कैप्चर्स नाइट आ रहा है। अगर आप क्वीन से कैप्चर करेंगे तो बिशप कैप्चर्स पॉन आएगा और अगर यहाँ पे आप पॉन से कैप्चर करेंगे तो क्वीन h4 चेक आ रहा है। किंग e2 के बाद आपका ये किंग पूरे गेम में सेंटर में रहने वाला है और हम लोग अगले ही मूव में बिशप को लेट से b6 पे रख लेते हैं और यहाँ पर ब्लैक के पास काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। इसीलिए यहाँ पर खेला गया f कैप्चर c5, यहाँ पे कैपब्लांका ने खेला d कैप्चर e5, यहाँ पर आया क्वीन a4 चेक। देखिए आपको डेवलपमेंट करना चाहिए, यहाँ पे आप कि सारे पीसेस तो अनडेवलप्ड है और आप यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, ओपनिंग प्रिंसिपल ये वायलेट किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आइडिया था अल्बर्ट का कि क्वीन अल्बर्ट, देखिए यहाँ पर अल्बर्ट का आइडिया था कि अगर बिशप बी, देखिए यहाँ पर अल्बर्ट का आइडिया था कि अगर आप बिशप d7 वगैरह खेलेंगे क्वीन b3 आएगा, इस पे प्रेशर बनाते हुए एक टेम्पो गेन करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए उन्हें लगा कि अगर नाइट डेवलप होगा तो ये पॉन हैंगिंग रह जाएगा क्योंकि ये नाइट तो पिंड है। लेकिन यहाँ पर कैपब्लांका ने कहा कि ये नाइट पिंड नहीं है, यहाँ पर उनके पास आफ्टर नाइट कैप्चर्स पॉन जो कि गेम में खेला गया, कैपब्लांका ने कहा मुझे अपने पीस डेवलप करने चाहिए। देखिए कैपब्लांका के सब माइनर पीस डेवलप्ड हैं। यहाँ पर खेला गया d4 और देखिए यहाँ पर ब्रिलियंट मूव आया कैपब्लांका का, शॉर्ट कैसल, एक कंप्लीट पीस सेक्रीफाइस। अगर आप कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक ऑन द स्पॉट विनिंग है। क्यों? क्योंकि नाइट कैप्चर्स नाइट आ रहा है। देखिए पीसेस तो बराबर हैं आपके पास, लेकिन आप लेट्स से कुछ भी खेलते हैं इस बिशप को कहाँ डेवलप करेंगे। लेट्स से यहाँ करते हैं, हम लोग यहाँ पर नाइट d3 चेक देंगे आफ्टर बिशप कैप्चर्स, यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स d3 और यहाँ पर चेकमेट थ्रेट हो रहा है। आप कैसे रोकेंगे चेकमेट बताइए, कोई तरीका ही नहीं चेकमेट रोकने का।
आपको खेलना पड़ेगा क्वीन सी टू वगैरह, तो क्वीन कैप्चर्स क्वीन, हम क्वीन अप होंगे और मैच आसानी से जीत जाएंगे। तो यहाँ शॉर्ट कैसल के बाद खेला गया बिशप जी फाइव और इस नाइट को पिन किया गया, लेकिन ये ब्लंडर था। यहाँ पे बेस्ट मूव है कि आप नाइट कैप्चर्स बिशप खेलें और नाइट कैप्चर्स नाइट के बाद। देखिए अगर आप यहाँ पर बिशप कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर ब्लैक के पास कमाल का मूव है नाइट कैप्चर सी फाइव, इस क्वीन को फोर्क करते हुए क्वीन सी फोर आता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी भी खेल सकते हैं नाइट कैप्चर पॉन, क्यों? अगर आप कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर रुक ई एट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हालांकि बेस्ट मूव है कि आप खेल लें क्वीन डी सिक्स वगैरह। और अभी भी ब्लैक ही बेटर है क्योंकि उसका किंग कैसल है, दोनों रुक आराम से सेंट्रल फाइल पे आ रहे हैं और वाइट के पीसेज आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे गेम में खेला गया बिशप जी फाइव और ये ब्लंडर था। यहाँ पर सिंपली कैपब्लांका ने खेला नाइट कैप्चर्स ई फाइव। अब देखिए कैपब्लांका के दोनों पीस हैंगिंग है, लेकिन आपके पास मूव तो एक ही है, आप कैप्चर एक ही कर सकते हैं और आप कुछ भी कैप्चर करें आप हार रहे हैं, जैसे कि गेम में हमारे हुआ डी कैप्चर्स ऑन ई फाइव। आइडिया ये है कि आप इस बिशप को कहीं भी मूव करेंगे तो हम लोग एक और पीस विन कर जाएंगे क्योंकि ये पिंड है। लेकिन यहाँ पर कैपब्लांका ने खेला नाइट कैप्चर्स ई फोर और रिज़ाइन कर दिया एल्बर्ट ने, क्यों? अगर आप ये क्वीन कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर बिशप एफ टू चेक आ रहा है और ये चेकमेट है, ये पूरे स्क्वायर ये बिशप कंट्रोल कर रहा है, यहाँ का स्क्वायर ये नाइट कंट्रोल कर रहा है और ये क्वीन किंग चेकमेट है। और यहाँ पर अगर आप लेट से ये कैप्चर करते हैं ये नाइट, तो यहाँ पे क्वीन डी वन मेट है, तो यहाँ पर कई तरीके से वाइट मेट हो रहा है। ये सब देखते हुए यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया एल्बर्ट ने। आप यहाँ पर बेस्ट खेल सकते हैं बिशप ई थ्री, अगर क्वीन कैप्चर करें तो हम लोग यहाँ पर क्वीन सी टू आएंगे, हम लोग बस चेकमेट खींच सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो कैपब्लांका ने 10 मूव में ये मैच जीत लिया एल्बर्ट के खिलाफ और आशा करता हूँ आपको ये मैच अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल सजेशन हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं।